प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम परविंदर सिंह। आज मैं तुहानू छेवीं जमात के अध्याय एक का अभ्यास 1.2 करवावांगा, जिस विच पहला सवाल है, एक स्कूल विच किताब प्रदर्शनी विच 4 दिनों तक चली। उन्होंने 4 दिनों विच टिकटां दी वख-वख गिनती दित्ती गई है और कुल दसना कि कुल किन्नियां टिकटां दी विक्री हुई। इसनू पूरी आप स्टेटमेंट के नाल सवाल नू लिखांगे। वैसे तो आप सीधा इसका जोड़ करना हर जोड़ भी कर सकते हो, पर एग्जाम दे विच तुहानू पूरा सवाल स्टेटमेंट के नाल करना पैंदा है। पहले दिन टिकटां दी विक्री, दूसरे दिन टिकटां दी विक्री, तीसरे दिन टिकटां दी विक्री और चौथे दिन टिकटां दी विक्री। तुसीं इस तरह पूरा भी लिख सकते हो, जां एक बार लिख के उस तो बाद दूसरा अगे इत्थे डैश डैश भी कौमा कौमा भी कर सकते हो। उसका मीनिंग यही होंदा कि सेम उपर वाला नीचे लिखना है। हुण पहले दिन टिकटां दी गिनती विक्री किन्नी हुई, 1094। दूसरे दिन हुई है 1812। तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751। तुसीं देखते हो कि पहले दिन टिकटां दी विक्री घट सी, उस तो बाद वधदी गई दूसरे दिन तीसरे दिन और चौथे दिन सब तो ज़्यादा है। इन्हां 4 दिनों विच कुल किन्नियां टिकटां विकियां, हुण इन्हां दा जोड़ करना है। जोड़ करन दा वही कि संख्यावां नूं एक दूसरे दे नीचे रखो, इकाई वाले स्थान तो बराबर होनी चाहिए। 4, 2, 6, 7, 9, 10, 5, 15 और 5, 20 दी 0 असल 2, 8, 2, 10 और 7, 17 असल 1, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7। इस तरह 7707 कुल टिकटां दी विक्री। या फिर टिकटां दी कुल विक्री लिख सकते हो, जां कुल टिकटां दी विक्री किसी तरह भी लिख सकते हो। इस प्रकार इन्हां 4 दिनों दे विच प्रदर्शनी दे विच 7707 टिकटां दी विक्री हुई। अगला सवाल, शेखर मशहूर क्रिकेट खिडारी है, उसने टेस्ट मैचों विच हुण तक 6980 रन बना चुका है, उसने 10000 रन पूरे करने विच किन्ने रन होर बनाने पैणगे। टेस्ट मैचों विच हुण तक रन, हुण तक बना चुका 6980 रन, ठीक है, और पूरे करना चाहता है। इतने तुसीं उसके अगे उसका नाम भी लिख सकते हो कि शेखर हुण तक किन्ने रन बना चुका है, शेखर किन्ने रन पूरे करना चाहता है। 10000 किन्ने रन होर बनाने पैणगे। तुसीं 10000 दे विच्चों 6980 नूं माइनस कर देना है। 0, 10 चों 8, 2, यानी कि इत्थों कैरी लिया आपां, इत्थे बने 10, इत्थे रह गए 9, 9 चों 9, 0, इत्थे रह गए 9, 9 चों 6, 3। इस प्रकार 3020 रन उसनूं होर बनाने पैणगे तां कि उसदे 10000 रन पूरे हो सकन। तीसरा सवाल, चोणां विच जेतू उम्मीदवार नूं 577,500 वोटां मिलियां अते उसदे नज़दीकी विरोधी ने 348,700 वोटां हासिल कीतियां, जेतू उम्मीदवार किन्नियां वोटां दे फर्क नाल जित्तिया। पहलां जेतू उम्मीदवार नूं 5,00,000 वोटां मिलियां और दूसरा जो सी वोटर नज़दीकी विरोधी
रोदी नू वोटां मिलियां और वोटां विच अंतर आपां पता करना। उसनों जेतुन किनिया मिलियां 5,70,500, जो हारिया उसनों किनिया मिलियां 348,700। तो उन्हां दे विच फर्क किन्ना किस तरह पता करांगे, जदों भी किसी दे विच अंतर पता करना हुंदा है जां उस तो किन्ना वध है किन्ना घट है तो उस टाइम सारे सवालों दे विच घटाओ कीती जांदी है, माइनस किया जाता है। 0, 0, 15 चो 7, 8 और इतों कैरी लिया से इतने 15 बनया, यानी कि हासिल लैन इतने 15 बन गया से इतने 6 रह जाएगा, इधरों हासिल लिया 16, 16 चो 8 गए 8, इतने 6, 6 चो 4 गए 2, इतने 5, 5 चो 3 2। इस प्रकार 2,28,800 वोटों के अंतर नाल उन्हां दे विच जित हार का फैसला होया। सवाल नंबर 4 है जिस विच एक बुक डिपो दे विच किताबां दी गिनती पहले हफ्ते विच किन्नी हुई, दूसरे विच किन्नी हुई और टोटल विक्री किन्नी हुई और किस हफ्ते विच किन्नी ज़्यादा विक्री हुई। पहले हफ्ते किताबां दी विक्री फिर दूजे हफ्ते किताबां दी विक्री फिर कुल विक्री, कुल किताबां दी विक्री और फिर अंतर उन्हां दे विच। पहले हफ्ते किन्नी हुई 2,85,891, 2,85,891 और दूसरे हफ्ते हुई 4,768। जदों आपां कुल विक्री पता करनी है तो उस टाइम महीना का जोड़ 8, 1, 9, 9, 6, 15 का 5, 1 हासिल 8, 7, 15, 1, 16 हासिल 1, 5 और 1, 6, 8, 4, 2, 6। इस प्रकार ये कुल विक्री हुई। हुण उन्हां दे विच अंतर पता करना किस हफ्ते विच कि ज़्यादा हुई तो उस टाइम इन्हां दोनों का अंतर लिखा जाएगा। 4,768 2,85,891 इसनों इस विचों माइनस करते हैं। 7, 16 चो 9 गए, इतने एक कैरी लिया इतने बन गए 16, 16 चो 9 7, इतने रह गए 6, इधरों कैरी लिया 16, 16 चो 8, इतने 9, 9 दे विचों 5, 4, इतने 9, 9 दे विचों 8, इतने 3, 3 चो 2, 1। इस प्रकार 1,14,870 किताबां दे फर्क दोनों दे हफ्तियां दे विच विक्री च फर्क है। जो सवाल नंबर 5 है इस विच अंक दिते गए हन, अंकां दे वरतों करदे होए सब तो वड्डी जो संभव है वह वड्डी संख्या बनाउणी है और एक सब तो छोटी संख्या बनाउणी है। अंक दिते गए हन 6, 2, 7, 4, 3, केवल एक बार इन्हां दी वरतों करनी है। तो सब तो पहला छोटी संख्या और एक आपां बनाउणी है वड्डी संख्या। इन्हां अंकां तो जो छोटी संख्या बनाउणी तो सब तो छोटे अंक नूं सब तो पहला, फिर उस तो वड्डा, फिर उस तो वड्डा, फिर उस तो और उस तो, और जिस टाइम वड्डी संख्या आपां बनाउंदे हाँ उस टाइम 7, 6, 4, 3, 2। इस प्रकार दिते हुए अंकों तो उपरली संख्या सब तो छोटी संख्या है और नीचे वाली संख्या सब तो वड्डी संख्या है। सवाल नंबर 6 जिस विच एक मशीन एक दिन विच पेच बनाउंदी है वह गिनती दिती गई है और मंथ दिता गया है कि इस महीने दे विच कुल किन्ने पेच बनाएगी। एक दिन विच बनाउंदी है 2,825 और
जनवरी 2006 विच कुल पेज किन्ने बनाए गए, जिमें कि तुसी जानते जनवरी 2006 जनवरी महीना 31 दिनों का हुंदा है, एक दिन विच इन्ने बनाउंदी है, तो आपां 31 दिनों के पता करना कि इस दिन 31 दिन बनते हैं जनवरी 2006 के, तो 2825 नूं किस नाल गुणा करना 31 नाल, इस नूं गुणा करना 5282 गुणा 3515 एक असल 3 2 6 और 1 7 8 3 24 2 असल 3 2 6 और 2 8 उस तो बाद इन्हों जोड़ करो 5 7 8 7 15 2 6 और 1 7 8 इस प्रकार 87575 पेज जनवरी 2006 महीने के विच वो मशीन बनावेगी। सवाल नंबर 7 जिस विच दिता गया है कि एक व्यापारी कोल इन्ने रुपए हैं, उसने 40 रेडियो खरीदे हैं, 40 रेडियो की कीमत लिखी गई है, रेडियो खरीदने तो बाद उस कोल किन्ने पैसे बचणगे, व्यापारी कोल कुल पैसे किन्ने हैं, 78592 ये रुपए का सिंबल होंदा है, जो नवा सिंबल हुण वरत्या जाता है, या तुसी उंज रुपए लिख सकते हो या पिछे उधर रुपए लिख सकते हो, 78592 रुपए हैं, 1200 रुपए प्रति रेडियो के सैट नाल उसने 40 रेडियो खरीदे, एक रेडियो की कीमत 1200 रुपए है और 40 रेडियो की कीमत 40 × 1200 यानी कि 48000, बाकी पैसे या व्यापारी को बाकी किन्ने पैसे बचे, तो 78592 अगर रुपए का सिंबल है लाते जाए जन 48000, इस विच इसमें आप माइनस करना 2950 3 उस को 30592 रुपए व्यापारी को बाकी बचे हैं 40 रेडियो खरीदने तो बाद। उस तो अगे 8 नंबर सवाल जो दिता गया है उस विच दिता गया कि एक विद्यार्थी ने गलती नाल 56 की बजाय 65 नाल गुणा कर दिता, यानी कि दोनों अंकों 5 6 अगे पिछे लिख के गुणा कर दिता गया, जो उत्तर आया उस विच कितना अंतर आएगा, जो सही लिखन नाल और गलत लिखन नाल, जेकर सही लिख के गुणा करता तो कितना उत्तर आना सी, गलत लिख के कितना उत्तर आना सी, और दोनों उत्तरों के अंतर कितना है, आपां वो अंतर पता करना, और इस दे नाल ही उन्होंने संकेत दिता होया कि दोनों के गुणफल पता करने की आपां नूं जरूरत नहीं, दोनों के गुणफल पता गुणफल किए बिना आपां उस दे अंतर का पता किवें करना है, जिवें तुसीं जानते हो 56 और 65 56 की बजाय 65 नाल गुणा कर दिता, यानी कि 56 नाल उसने गुणा करना से किस नूं 7236 नूं, और उसने किस नाल करता 65 नाल, यानी कि 65 संख्या बड़ी है, दोनों दे विच आपां अंतर पता करना से, हुण इन्हां दे विच 65 × 56 ये पता करना आपां अंतर, और इस नूं 7236 नाल गुणा करांगे, इस विच तुसीं पता कर सकते हो कि 65 दे विच 56 नूं माइनस किए 9 × 7236 इन्हां दी गुणा करके देखोगे तां 9 6 54 5 9 3 27 5 32 2 3 असल 9 2 18 3 21 असल 2 और 9 7 63 और 2 65 65124 जो कि उसका उत्तर है, इन्ना अंतर उस दे उत्तर विच आएगा। सवाल नंबर 9 दस्या गया है कि
2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा 1 मेज की सिलाई करने वास्ते चाहिए है। 40 मीटर बिच किन्नियां शर्टां या किन्नियां कमीजां आप सिलाई कर सकते हाँ। 1 कमीज लई कपड़ा चाहिए है किन्ना चाहिए है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। और कुल कपड़ा चाली मीटर है। जदों भी आपां गुणा जां पाक करनी हुंदी है पहला उन्हां दे जो इकाई है इकाइयां नूं बराबर किया जाता है। ये मीटर विच है ये मीटर और सेंटीमीटर विच है। तो आप जेकर सेंटीमीटर नूं मीटरां च कन्वर्ट करते हाँ चेंज करते हाँ तो उस पॉइंटां दे विच उत्तर आउंदा है। आपां पॉइंटां दे विच पाक करना या गुणा करना मुश्किल हुंदा है इस करके आपां इस नूं भी सेंटीमीटर और इस नूं भी सेंटीमीटर दे विच बनाउने हाँ। इस दे सेंटीमीटर बनावांगे तो मीटर दे विच 100 सेंटीमीटर हुंदे हन यानी कि 200 जोड़ 15 215 सेंटीमीटर। 40 नूं 100 नाल गुणा किया 4000 सेंटीमीटर। हुण देखो सेंटीमीटर इसकी इकाई बराबर है और इसकी इकाई बराबर है 4000 दे एक शर्ट बनाने वास्ते 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए है और 40 मीटर या 4000 सेंटीमीटर के नाल किन्नी शर्टा बन गया। तो 4000 नूं 215 ते पाक करना है इस नूं जो तुसी पाक करते हो तो उस तो पहले 3 अंक 215 जेकर करोगे डबल तो इसका ज़्यादा हो जाएगा एक तो जाएगा 215 इस विच इसनों माइनस करो 10 चौं 5 गए 5 9 चौं 1 8 और 3 चौं 1 3 चौं 2 1 और ए 0। इस तो बाद इसनों गुणा करके देखते हैं आप किस उपर जाता 9 2 18 18 आ जाएगा पर 9 नाल करांगे तो इस तो वध जाएगा तो इस करके आप इसनों 8 नाल करांगे। जेकर आप इसनों 8 नाल करते हाँ 215 नूं 8 नाल करके वेखो तो कितना बनेगा 1720 0 3 और 1 130 सेंटीमीटर कपड़ा बाकी बचेगा जो जिसकी आप शर्ट नहीं बना सकते क्योंकि शर्ट बनाने वास्ते 215 सेंटीमीटर चाहिए। इस तरह कुल 18 कमीजा आप इस तो बना सकते हाँ। सवाल नंबर 10 जिस विच मिठाई के डब्बों का भार दस्या गया है और जिन्हें डब्बों नूं एक वैन दे विच रखना है वैन की समर्था कैपेसिटी दसी गई है कि उस विच इस तो बाद भार नहीं ले जाया जा सकता तो आप उसका गुणा जा पा करके ये दसना है कि उस विच वध तो वध किन्ने डब्बे ले जाए जा सकते हैं। जिवें कि एक डब्बे का भार 4 किलोग्राम पाँच सौ ग्राम और वैन विच पार ले जा सकते हैं 40 किलोग्राम। जिवें आप पिछले सवाल किया सेंटीमीटर और मीटर इस तरह इस विच किलोग्राम और ग्राम है तो सब तो पहला इन्हां दी इकाइयां बराबर करनिया पैणगियां। इस विच भी जेकर आप ग्राम नूं किलोग्राम बनाउणे आ तां उत्तर अपना पॉइंटां दे विच आएगा तो आप इस करके किलोग्राम नूं ग्रामां दे विच बदली करते हाँ। तो 4 × 1000 = 500 यानी कि 4500 ग्राम। इस तरह 40 × 1000 40000 ग्राम। इस तो बाद आप इसनों पाक करते हाँ। जिमें उन्होंने पूछा गया इस विच 800 और इस विच 800 किलोग्राम है 400 किलोग्राम ने 800
किलोग्राम लिखा हुआ था 800 और 80,000 ग्राम पर उसकी कैपेसिटी है, उस विच आप किन्ने डब्बे ले जा सकते हाँ। तो 4500 के नाल इसनों पा करना है। पा करन तो बाद तुसी देख दे हो कि इस दा उत्तर खुद पा करके देखोगे इसनों 177 होंदा है और बाकी कुछ बचेगा तो कुल आपां उस विच 177 डब्बे ले जा सकते हाँ। सवाल नंबर 11 जिस विच दस्या गया है कि एक विद्यार्थी दे घर तों उसदे स्कूल दी दूरी किन्नी है और हर रोज़ यानी कि एक बार स्कूल जाता है और एक बार आता है वह दूरी दो बार तय करता है, 6 दिनों के कुल दूरी कितनी तय करेगा? घर से स्कूल की दूरी घर अते स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर, तो इसनों आप मीटर के विच बदली करते हाँ। पहला एक ही एक साइड की दूरी है, एक दिन च उस दूरी को कितनी बारी करता है? 2 बार। एक दिन विच दूरी तय करता है 2 × 1875, इसनों गुणा करके लिखोगे 5 × 2 = 10, 7 × 2 = 14, 1 × 15 = 8 × 2 = 16, 1 × 17 × 2 = 3 = 3750 मीटर। तो 6 दिनों विच दूरी तय करता है, तो 3750 × 6 इस देश नाल गुणा करोगे और इसका उत्तर तुसीं पता कर सकते हो कितना होएगा। इसका उत्तर जिमें कि अपना जेकर आप इसकी गुणा करते हाँ तो इस नीचे लिख 3750 इस नूं 6 नाल गुणा करना है, 0, 6, 5, 30 6, 7, 42 और 3, 45 4 और 6, 3, 18, 4 22,530 मीटर या 22 किलोमीटर किलोमीटर 530 मीटर दूरी तय करेगा। सवाल नंबर 12 इस विच दस्या गया है कि एक बर्तन की समर्था किन्नी है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, एक बर्तन में इन्नी दही है, 25 मिलीलीटर वाली समर्था वाले किन्ने गिलास भरे जा सकते हैं? बर्तन विच दही किन्नी है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर यानी कि इसनों आपां मिलीलीटर विच कन्वर्ट करते हाँ, तो 4 × 1000 + 500 जिमें कि तुसी जानते हो 1 लीटर दे विच 1000 मिलीलीटर होंदे हन, 4500 मिलीलीटर। उस तो बाद 25 मिलीलीटर वाले गिलास की समर्था है तो किन्ने गिलास भरे जा सकते हैं? 4500 इसनों पा करना 25 के उपर, 25 के उपर अपना पा करते हाँ तो की आता है? 25 × 25 = 0, 2 × 25 = 8, 200
जीरो जीरो तो 180 कुल ग्लासेस तो भरे जा सकते हैं। इस अभ्यास 1.2 दे विच किसी भी सवाल की कोई तुहानू समझ ना लगी होवे जां कोई दोबारा उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं तुहानू दोबारा वो सवाल एक्सप्लेन करांगा। धन्यवाद।